हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे पीसीओडी पीसीओएस के बारे में, मेरी जो जर्नी रही है और मैंने कैसे इसको ठीक किया है। तो पीसीओडी का मैं पहले तो ये बता दूं आप लोगों को, पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, जस्ट एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। बहुत ही इजीली इसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ बताऊंगी, पीसीओडी आप लोगों को जो बोलते हैं ना, पीसीओडी मेरा एकदम से ठीक हो गया है, पीसीओडी ऑफकोर्स पीसीओडी मेरा भी ठीक हो गया है, बट पीसीओडी एक ऐसा चीज़ है कि जब तक आप जिंदा हो आपके साथ है। वो कैसे ठीक भी हो गया है, ऐसा भी है, वो इसलिए ऐसा है कि जब तक आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, तब तक पीसीओडी का कोई मसला नहीं है, पीसीओडी एकदम ठीक है, पीसीओडी आपको है ही नहीं है। जहाँ आपका खाने का तालमेल बिगड़ा, जहाँ पे आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऐड हुआ, फिर से पीसीओडी भी ऐड हो जाएगा आपके लाइफ में। यस गाइस, तो मुझे मेरी जो जर्नी रही है पीसीओडी का, मुझे पीसीओडी बहुत छोटा से ही हो गया था। जब सेवन एट में जब पढ़ती थी मैं, फर्स्ट मेरा पीरियड हुआ था, उसके बाद 3 मंथ मेरा गैप था, उसके बाद से हुआ नहीं, थोड़ा बहुत था, पर उस टाइम तो मैं वो सारी चीज़ को लिए बहुत इंजॉय करती थी, बिकॉज पीसीओडी नहीं हो, मतलब पीरियड नहीं हो रहा है, बाबा क्या कहने, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था और घर पे भी कोई ऐसा नहीं था कि गाइड कर सके। सो उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं कोलकाता में जब मैं शिफ्ट हुई, जब मैं हॉस्टल में थी तब भी कुछ पता नहीं था। सेकेंड ईयर में जब मैं पीजी में आई, पीजी में आने से थोड़ा बहुत लोग दीदी लोग थी, मेरी जो हॉस्टल की जो आंटी थी वो भी बहुत अच्छी थी, हर चीज़ हम लोगों को गाइड करती थी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता चलने लगा। फिर मुझे जो पीसीओडी का जो सिम्टम्स था वो बहुत पहले से शुरू हो गया था, मेरा पिंपल्स बहुत ज़्यादा होता था। 3 सिम्टम्स जो मुझे मिला था बहुत ही मेजर था, वो है एक पिंपल्स हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो पिंपल्स का कोई खात्मा नहीं होता है, मतलब ठीक होता है फिर होता है, ठीक होता है फिर होता है। एक है आपका हेयर, बॉडी का जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, और मेरा जो हेयर तो ज़्यादा तो हो ही रहा था, तो मुझे मेरे घर में पता है कि लोग क्या बोलते थे, हाँ बहुत, मतलब बाल बहुत है। तो मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों का ये है कि मछली ज़्यादा खाती है इसलिए होता है, तो सोचो कैसा है। तो ये सारी चीज़ कुछ पता नहीं चलता रहा है, इसे इग्नोर करते रहे, और बहुत मेरा जो मूड स्विंग्स मेरा बहुत ज़्यादा था, मेरा इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी हर एक चीज़ के लिए। तो सबको यही लगता था कि मैं बहुत ही गुस्सेलू हूँ, मैं बहुत झगड़ा करती हूँ, मैं बहुत चिल्ला के बात करती हूँ। तो किसी को ये नहीं, मतलब कोई ये जानने की कोशिश नहीं किया, ना घर वालों ने, ना घर वालों ने जब नहीं किया तो बाहर वालों से क्या ही शिकायत करूँ कि इसको प्रॉब्लम क्या है, और मुझे खुद पता नहीं था। तो मैं भी एक टाइम पे मानने लगी थी कि मेरा नेचर ही ऐसा है। सो यस, ये सारी चीज़ होने लगा, मेरा बॉडी का जो वेट है वो जो लोअर साइज है आपको बहुत ज़्यादा आपको बढ़ जाता है, और आपका जो कमर है बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, बॉडी आप अगर पानी भी पियोगे फिर भी आप मोटा होने लगोगे, आपका ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ होने लगा, फिर मेरा जो नाइट का जो नींद है वो भी नहीं हो पाता था, और हमेशा मैं चिड़चिड़ी रहती थी। ये सारी चीज़ सिम्टम्स मुझे समझ में, वो सारी चीज़ तो सिम्टम तो पहले से ही था, पर समझने के लिए समझाने के लिए कोई नहीं था, मुझे खुद मेरे को लगा कि मैं ऐसी ही हूँ। एंड उसके बाद जब मुझे जब पीसीओडी के जब पीरियड का ऐसा जब प्रॉब्लम होने लगा, फिर जब मैं पीजी में आते ही जब लोगों से मिलने लगी, तब मुझे पता चला कि पीरियड अगर ना हो तो कितना प्रॉब्लम होता है, कितना बड़ा बड़ा चीज़ होता है। तो मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम है, मैं दिल में सोचने लगी, फिर मैंने डॉक्टर के पास गायनेक के पास दिखाया, क्योंकि उस टाइम भी मेरा 2 महीना हो गया था पीरियड नहीं हो रहा था, फिर भी मैं देखो कितना केयरलेस थी, फिर भी मैं कभी किसी को बोलती नहीं थी, ना कभी डॉक्टर भी दिखाई। फिर मैंने जब डॉक्टर को दिखाया सारी चीज़ जब बोला, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करने दिया, टेस्ट मैंने सारी चीज़ किया, फिर डॉक्टर ने बोला कि तुमको पीसीओडी है, तो पीसीओडी है उसके लिए 21 दिन का मेडिसिन दिया जिससे मेरा पीरियड हो जाएगा। तो 21 दिन का मेडिसिन मैंने लिया तो मेरा पीरियड नहीं हुआ, जब 24 दिन जिस दिन हो गया था उस दिन मेरा पीरियड हुआ। तो पीरियड हुआ तो बस 1 दिन के लिए हुआ, उसके बाद बंद हो गया। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, फिर उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने फिर से मुझे मेडिसिन दिया कि फिर से पीरियड का मेडिसिन दिया, तो फिर मैंने लिया। तो उसके बाद जो पीरियड हुआ वो फ्लोर ऐसा था कि एक दिन में 10-12 मुझे पैड चेंज करना पड़ता था, और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उसके बाद से ऐसा चलता गया कि कभी डॉक्टर दिखा
खा रही हूँ, कभी मेडिसिन ले रही हूँ, पीरियड हो रहा है, फिर इग्नोर कर रही हूँ, ऐसा चलता गया और 2 साल मैंने ऐसा टान लिया। फिर मेरे पीजी से जब मैं फ्लैट में जब शिफ्ट हुई एंड मेरा एक फ्रेंड के साथ जब मेरा बातचीत ऐसा हुआ, तो उसने मुझे बोला कि एक गायनेक का नाम बोला कि बहुत ही अच्छे गायनेक है और कोलकाता का बेस्ट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, तो मुझे सजेस्ट किया। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने सारे टेस्ट करवाया एंड मैंने उस टाइम पे पाँव से लेके नीचे तक मैंने अपना पूरा बॉडी का ही टेस्ट करवा डाला कि मुझे पता चले कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो डॉक्टर के साथ मेरा मुलाकात हुआ और उनसे जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो तो हाई लेवल का था, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना सारा कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने मुझे सच्चाई के साथ मुझे पहचाना, उन्होंने मुझे एक पहचान दे दिया बोला जाए तो। बिकॉज मेरा फर्स्ट जो गायनेक थी उसने मुझे बोला था, उसने मुझे तो डरा दिया था कि पीसीओडी है, आपको पीसीओडी है तो फ्यूचर में जाके तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी में ये होता है वो होता है, तुम्हारा तो इतना पुराना हो गया है, ऑलरेडी बचपन में कहाँ 7-8 में था वहाँ से ही शुरू हुआ था, कहाँ मैं जा रही हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो समझ रहे हो कितना गैप हुआ। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे बोला कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा, ये फलाना ढमकाना। फिर जब सेकेंड डॉक्टर से मेरा मुलाकात हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि पीसीओडी का जो मेडिसिन है इसको तुम जिंदगी भर कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू किया नहीं जा सकता है क्योंकि हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। तो पीसीओडी का मेडिसिन तुम कितना दिन खाओगे, 3 मंथ 6 मंथ जब तक मैं दूंगी तुम खाओगे, तुम ठीक रहोगे, उसके बाद फिर से तुम्हारा वही रहेगा। तो पीसीओडी का मेडिसिन खाने से अच्छा है कि तुम अपने आप को ठीक करो, अपने डाइट को ठीक रखो, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखो एंड एक्सरसाइज करो। प्रिस्क्रिप्शन में टॉप में जो जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह जो मुझे दिया था सारी चीज़ करने के लिए, वो सारे चीज़ के ऊपर टॉप में मुझे लिख के दिया था एक्सरसाइज मस्ट, तो वहाँ पे लिखा था मस्ट एक्सरसाइज। सो ये सारी चीज़ मुझे डॉक्टर ने बोला, मैंने बोला ठीक है, तो सारी चीज़ मैंने करवाया। फिर डॉक्टर को मैंने ये बोला था कि मुझे बहुत ही कमजोरी फील हो रहा था, उस चीज़ के लिए 1 मंथ का मुझे मेडिसिन दिया था एंड मुझे 7 डेज का मेडिसिन दिया था कि ये खाना पड़ेगा पीसीओडी के लिए। ओके, उससे मेरा पीसीओडी मतलब पीरियड का फ्लो ठीक रहेगा, हो जाएगा। तो वो मैंने वो सारे चीज़ लिया, फिर मैं आ गई और उसके बाद से मुझे जो फर्स्ट चीज़ मुझे समझ में आया कि पीसीओडी का जो सारी चीज़, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत अच्छे से डाइटिशियन का से कांटेक्ट किया, क्योंकि खाने पीने का है उस टाइम तो नया नया था तो मुझे उतना कुछ पता था पर उतना भी कुछ पता नहीं था। तो 1 मंथ मैंने डाइटिशियन से डाइट चार्ट लिया, वो भी मैंने फॉलो किया और उससे मुझे बहुत हद तक हेल्प मिली। पर डाइट चार्ट डाइटिशियन से आप कितना लोगे, हर महीना नहीं ले सकते, बिकॉज अच्छा अगर डाइटिशियन के पास जाओगे तो पॉकेट में भारी पड़ जाती है। सो यस, मैंने बंद कर दिया 1 महीना लेने के बाद। उसके बाद मैंने ये पीसीओडी को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया और मैं पढ़ने भी लगी थी पीसीओडी के बारे में, ये वो सारे चीज़। उसके बाद इतना मैं डीपली चली गई कि पीसीओडी के बारे में सब कुछ पढ़ते पढ़ते मैंने घोल घाल के पीसीओडी को ही पी लिया कि भाई मैं तो इसको ठीक करके रहूँगी। उसके बाद मैंने खुद से अपना डाइट चार्ट बनाया, खुद से सारी चीज़ किया। पीसीओडी में जैसे आपको आपके डाइट पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 80% आपका डाइट हर एक चीज में आपका वर्क करता है, लाइफस्टाइल, डाइट, वर्कआउट, ये सारी चीज 80% काम करता है, 20% आपका मेडिसिन आपको वर्क करेगा। तो वो तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसका कितना क्या है नहीं है। तो मैंने जो किया था मैं वो सारी चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद से मैंने राइस खाना बंद कर दिया था, रोटी खाना बंद कर दिया था, इतना रात को कौन आ रहा है, राइस खाना बंद कर देते, रोटी खाना बंद कर दिया था, सॉल्ट, वाइट शुगर, ये सारे वाइट ब्रेड, दही, फिर दूध, ये सारी चीज़ मैंने बंद कर दिया था। फिर अपना बहुत सारा चीज़ मैंने ऐड ऑन किया लाइफ में और आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको 10 से लेके 10 बजे आपको सो जाना है, 6 बजे आपको उठ जाना है, 7 से 7:30 या फिर 8 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लो, आपका पूरा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है। वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिम ज्वाइन करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप घर पे एक्सरसाइज करो, पर वर्कआउट करोगे तो आपका पीसीओडी समझो कि खात्मा ही है, पूरा ठीक हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे भी यही बोला था कि वर्कआउट इज अ मस्ट, पीसीओडी का की है वर्कआउट।
तो बॉडी में आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। एंड मैंने जब जिम ज्वाइन किया था उसके बाद मैंने ट्रेनर रखा था, ट्रेनर को पहला दिन जाते ही मैंने बोल दिया था कि आई हैव ए पीसीओडी। तो ट्रेनर को अच्छे जिम में अच्छा जो जिम होता है वहाँ का ट्रेनर लोगों को पता है होता है। सो ट्रेनर को जब मैंने बोला था तो उन्होंने मुझे पीसीओडी था और मेरा कमर बमर जो था इतना बड़ा बड़ा हो गया था, तो उस हिसाब से मुझे ट्रेनर वर्कआउट करने लगी कि वर्कआउट के वजह से भी आपका पीरियड जो होता है रेगुलर होता है, फ्लोर अच्छा रहता है, पेट में पेन नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ रहता है उस हिसाब से भी वर्कआउट होता है। तो मुझे ट्रेनर ने भी बहुत हेल्प किया। तो ये सारे चीज़ करने के बाद अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और अभी तो माशाल्लाह मैं बहुत टाइम से ही ठीक हूँ, पर तब तो मैं यूट्यूब नहीं करती थी, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ मैंने शेयर नहीं किया था, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, पीसीओडी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जो सिर्फ आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से, आपके डाइट से, आपको वर्कआउट से ही ठीक हो सकता है, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जो लेडीज़ को प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है या फिर बेबी नहीं हो पाता है, बिकॉज उन लोगों का खुद का भी गलती होती है कि वो लोगों का डाइट ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। मुझे मेरे डाइट ने बहुत हेल्प किया, मैंने क्या क्या डाइट लिया है, क्या क्या खाना मैंने मतलब एड ऑन किया था अपने मतलब लाइफस्टाइल में, वो सारे चीज़ फुल पैकेज में सुबह से लेकर रात तक मैं पूरा चीज़ और उस डाइट में बहुत सारा वैरायटी भी डालने की कोशिश करूँगी, वर्कआउट से लेके योगा से लेके वो सारी चीज़ मैं डालूँगी, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सके, प्रॉपर आइडिया मिल सके कि आप लोग डाइट में, वर्कआउट में, अपना स्लीपिंग पैटर्न में, सारे चीज़ को कैसे आप पूरा सारी चीज़ को मतलब पूरा सारे चीज़ को आप मिक्स करके अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने लाइफ में ऐड करके पीसीओडी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं एकदम से। और वो डाइट या सारी चीज़ अगर आप फॉलो कर लेंगे 110% इंशाल्लाह पीसीओडी तो ठीक होगा ही, उसके साथ साथ आपका स्किन, आपका हेयर, आपका वेट लॉस सारे चीज़ हो जाएगा। बोला ना एक तीर में दो शिकार, तो वैसा ही कुछ। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो मैं वीडियो में तीन चार, ये वीडियो आने के बाद मैं 3-4 दिन के अंदर मैं वो वीडियो इंशाल्लाह मैं डाल दूंगी। कंटिन्यू मेरा वीडियो को वॉच करते रहिए, और आप लोगों को आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी बहन को मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का लाइक कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो यस गाइस, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। यस, मेरा अगर ठीक हो सकता है, इतना पुराना 7-8 साल तो मेरा हो गया होगा, यस, तो आप लोगों का क्यों नहीं ठीक हो सकता, सबका ठीक हो सकता है। पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, पहली बात ये सोचना है, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, एंड ये वीडियो थोड़ा बहुत भी शायद किसी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्प रहा होगा तो बस आप लोग एक प्यारा सा हार्ट वाला कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगी और क्या। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ मिलती हूं। आज के लिए इतना ही, खुश रहिए और ख्याल भी रखिए अपना। ओके, बाय।